Ibrahim, assalamu alaikum, dear students. I am Kleem Khan, mathematics teacher. Dear students, आज हम lecture number 10 की तरफ exercise 1.4, question number 5. क्योंकि previous lecture में हमने 4 question किए थे, आज हम जो है ना वो 5 lecture से onward हम question करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, पहले 4 लेक्चर में एक टाइप यूज होती है, बाकी 5, 6, 7, 8 में दूसरी टाइप यूज होती है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है ना वो इन क्वेश्चन के रेडिकल इक्वेशन में यूज होती है. डियर स्टूडेंट, आज हम ये इसकी सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें हर टर्म के साथ यानी कि एक एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट है. हमने इस स्क्वायर रूट को भी रिमूव करना है और वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, और उसके बाद आपने उसे चेक करके सॉल्यूशन सेट और एक्सट्रेनियस रूट भी फाइंड करना है. आइए चलते हैं. अब देखें, यहां पर दो टर्म्स हैं, तो हम टेकिंग स्क्वायर, हम बहुत सारे दो टर्म्स का ही स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद हम राइट साइड का भी स्क्वायर लेंगे. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर खुला. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस साइन ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, और फिर उसके बाद ये स्क्वायर भी खत्म. एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 21 प्लस 2. अब ये एक स्क्वायर रूट में हमने इनको लिख दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आती है. और हमने क्या किया, अब इस सिचुएशन में ये लिखने के बाद मैंने ये वाली टर्म्स जो है ना वो इस साइड पे ले आया है, ठीक है, और एक्स का प्लस का एक्स माइनस का एक्स, और ये 26 वैसे और माइनस का 60 हम इस साइड पे लेकर गए, और ये वाली टर्म ये एक टर्म है, हम इसको दूसरी साइड पे लाए, क्योंकि ये पॉजिटिव थी और वो नेगेटिव हो गई इधर आकर, और उसके बाद हमने उसे कंप्लीट यानी कि सिंप्लीफाई किया, तो 2x में से 1x निकला, ये 34 और इसी तरह माइनस दिस. अब फिर एक साइड पर स्क्वायर रूट आ गया, फिर रेडिकल इक्वेशन है, अगेन स्केयरिंग. हम इसके दोबारा स्केयरिंग करेंगे, और स्केयरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर खोलेंगे और राइट साइड का भी स्क्वायर खोलेंगे. ये स्क्वायर खोलेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. इस साइड पर 2 माइनस 2 का अलग स्क्वायर और बाकियों का अलग स्क्वायर करके स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, और इसके बाद यहां पर ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर और 34 का स्क्वायर 11 54, और इसी तरह ये हमारे पास ये टर्म आ गई. हमने सारी एक्स स्क्वायर वाली साइड पर सारी टर्म्स इकट्ठी करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की है. डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है कि वहीं पर ही आकर हमारा लेक्चर एंड होने के करीब होता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आ जाती है, यानी कि बाकी जो प्रीवियस मेथड है उसे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करके हमने पहुंचना कहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है तो मैं देख रहा हूं और यू आर नॉट ब्लाइंड कि आप भी इस बात को देख रहे हैं कि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में ये हम इसको, वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. इस फार्मूले में ये वैल्यूज हम पुट करेंगे. देखें क्यों फार्मूला हमने यूज किया है. पहले पिछले लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों यूज किया है, उसकी वजह ये कि इतनी बड़ी टर्म्स की जो है ना हम फैक्टराइज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चे भी इस बात से घबराते हैं. तो हम फिर क्या करते हैं, वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला. अगर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टराइज हो गया तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा और वो कम्प्लेक्स नंबर की तरह शो हो जाएगा. तो अब ये वैल्यूज इसमें पुट करें, और पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं, और एक एक्स की वैल्यू 4 निकलती है और दूसरी वैल्यू माइनस 184/3.
तो ऑन चेकिंग, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चेकिंग की थी वो ओरिजिनल इक्वेशन को ऑन चेकिंग, ये जो है वो सेटिस्फाई करता है, x की वैल्यू 4 जो है वो सेटिस्फाई करते है, इसलिए इक्वेशन सेट है। और -184/3 इसको चेक करें तो वो सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए लिहाज से वो क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रीवियस 5th क्वेश्चन जैसा है, तो इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि रेडिकल इक्वेशन है और रेडिकल इक्वेशन की दोनों तरफ जो है रेडिकल साइन मौजूद है, तो इन रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम इनका स्केयर करेंगे। और स्केयर करने के बाद बोथ साइड्स में फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और इसका स्केयर स्केयर रूट से ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाली चीजें बच जाएंगी, ये एक्स और एक्स 2x हो गया, और इसी तरह माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1, और बाकी हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया। इस x प्लस 6 को इस साइड पे लाएं तो x माइनस का हो गया और 6 भी माइनस का हो गया, तो हमारे पास x माइनस 7 इज इक्वल टू -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की फॉर्म आ जाती है। तो अगेन स्केलिंग करते हैं, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो उसमें x माइनस 7 होल स्केयर इज इक्वल टू -2 होल स्केयर, इसका भी स्केयर करेंगे, इसका भी स्केयर करेंगे, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये स्केयर खोलेंगे, फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू 2 का स्केयर क्या 4 माइनस का स्केयर प्लस और इंटू स्केयर स्केयर से कैंसिल। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, 3x² + 10x - 15 7। अब इसी इक्वेशन को देखें, जरा गौर करें तो इसमें जो जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, ज्यादा हैं, जिनका फैक्टराइज करना, उनके पेयर बनाना मुश्किल काम है। तो मे भी ये फैक्टराइज हो सकते हों, बट आप इस अपने इस तकलीफ में ना पड़े कि ये अब जरूरी है कि हम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन ना आपने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यूज करके जो ना आप अपने सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, कंपेयर करेंगे हम विद x² + bx + c के साथ, और कंपेयर करने के बाद a = b a = 3 b = 10 and c = -57 वो वैल्यूज आप काउंट कर ले। उसके बाद वी नो दैट x = b² - b + b² - 4ac√2। अब उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह 10 पुट करेंगे, a की जगह पर 3 और c की जगह पर -57। ये पुट करने के बाद आपके पास ये सिनेरियो बचेगा, तो इसके मुताबिक क्योंकि 784 का स्क्वायर रूट लेने से 28 आता है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनाएंगे कि x = -10 + 28/6, तो ये इसकी वैल्यू 3 निकलेगी, और इसी तरह एक प्लस में और एक माइनस में करने से हमारे पास x की दो वैल्यूज निकलती हैं, एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। ऑन चेकिंग, चेक करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो सॉल्यूशन सेट होगा, और दूसरी जो वैल्यू है -19/3 वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 4a + x √-a - x√√ बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है और टेस्ट वगैरह में भी आता है, स्कूल टेस्ट भी होते हैं। तो उसमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ का, स्क्वायर लेने के बाद फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, 4a आ गया, x आ गया, a आ गया, -x आ गया, -2, ये क्योंकि a की स्क्वायर रूट में लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले गए हैं, प्लस का हो गया, और a को हम ये 4a और ये प्लस a 5a बना, और x x से कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास ये वाला ए जो है ये इधर आके माइनस फाइव, फाइव ए माइनस ए फोर ए बचता है और उसका टू टू पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये सिचुएशन। फिर स्क्वायर करने से हम स्क्वायर रूट को खत्म कर सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो टू का स्क्वायर फोर और इसी तरह हमारे पास ये बच जाएगा। और क्योंकि ये फोर ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाए क्योंकि ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और बाकी ये वाला इधर लाए एक्स के प्लस का और ये भी आएगा प्लस का आ जाएगा इसको जो जीरो कर ले। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले ले, एक्स कॉमन लेने के बाद ये भी जीरो के इक्वल है और ये भी जीरो के इक्वल है। एक वैल्यू एक्स की जीरो निकली है और दूसरी वैल्यू माइनस थ्री के आई है। अब ऑन चेकिंग चेक करने के बाद हमारे पास जीरो जो है वो सोल्यूशन सेट है क्योंकि ये जीरो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को और माइनस थ्री जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं करता, एक्सट्रेनियस रूट है। डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।